हेलो फ्रेंड्स, पिंडवाड़ा यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जियो ऐप्स के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिनके बारे में शायद ही आप पहले जानते होंगे, तो वीडियो को देखते रहना। और साथ ही फ्रेंड्स, इनमें से जो भी ट्रिक आपको अच्छा लगता है उसके बारे में कमेंट करके वीडियो के नीचे ज़रूर बता देना कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो साथ में बेल आइकॉन बना है फ्रेंड्स उसको दबा के नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जियो म्यूजिक ऐप का यूज करके आपके जियो नंबर के ऊपर कॉलर ट्यून को सेट कर सकते हो बिना कोई एसएमएस सेंड किए। तो सबसे पहले आपने जियो म्यूजिक ऐप को इंस्टॉल करना आपके फोन के अंदर, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने वो सॉन्ग फाइंड करना है जिसको आप कॉलर ट्यून बनाना चाहते हैं आपके जियो नंबर की। फिर आपने वो सॉन्ग को थोड़ी यहाँ पे प्ले कर देना, उसके ऊपर टैप करके। उसके बाद नीचे यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर आ जाएगा, उसको ऊपर को स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा सेट एज जियो ट्यून, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सॉन्ग बन जाएगा आपके जियो नंबर की कॉलर ट्यून। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप जियो म्यूजिक ऐप का यूज करके किसी भी सॉन्ग को आपके जियो नंबर की कॉलर ट्यून बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जियो टीवी ऐप की मदद से किसी भी टीवी शो या फिर मूवी को रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लो जिस टाइम वो टीवी शो आना है या फिर मूवी आनी है, आप उस टाइम बिजी हो, आप उसको मिस भी नहीं करना चाहते, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो जियो टीवी ऐप की मदद से। आपने करना क्या, जियो टीवी ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पे मान लो वो शो आज आना है या फिर कल आना है, उस हिसाब से यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। मान लो कल वो प्रोग्राम आना है या फिर मूवी आनी है जिसको मैं देखना चाहता हूँ, रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे टुडे या फिर टुमारो सेट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने चैनल के सामने जाना है जिस चैनल पर वो टीवी शो आना है, तो उसके अंदर आपने वो जिस टाइम वो शो आना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टाइम आ रहा है 3 तारीख और उसका टाइम आ रहा है कि कितने बजे ये शो ने आना है। तो आपने करना क्या है, इसको ओपन करके फ्रेंड्स यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन बना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है बेल आइकॉन के साथ में, जो इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब होगा क्या, कल 3 तारीख को सेम टाइम जब ये टीवी शो चलेगा तो ये अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद इसको देखने के लिए आपने करना क्या, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स के अंदर जाना है ऐप की। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो मई रिकॉर्डिंग्स हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके फ्रेंड्स यहाँ पे वो टीवी शो आ जाएगा जो रिकॉर्ड हुआ होगा। आप उसको जब चाहे जितनी बार देखना चाहते हो देख सकते हो, जो भी आपका टीवी शो या फिर मूवी होगी यहाँ पे आ जाएगी रिकॉर्ड होके। बाद में उस रिकॉर्डिंग को आप आपके यूट्यूब वीडियोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगला जो मेथड है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जियो म्यूजिक ऐप को ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं बिना इंटरनेट के, कैसे आप जियो म्यूजिक ऐप के अंदर सॉन्ग सुन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपने करना क्या फ्रेंड्स, जियो म्यूजिक ऐप को ओपन करना है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ये जियो म्यूजिक ऐप ऑनलाइन ही काम करती है, इंटरनेट के बिना आप इसके अंदर सॉन्ग नहीं सुन सकते। लेकिन ऑफलाइन सॉन्ग सुनने के लिए आपने करना क्या, यहाँ पे जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है, यहाँ पे सभी सॉन्ग्स के नेम आ रहे हैं, यहाँ पे सभी सॉन्ग आपको दिख रहे हैं, जो भी इनमें से आपका फेवरेट सॉन्ग है जिसको आप ऑफलाइन भी सुनना चाहते हैं, उसके लिए आपने करना क्या, उसके नीचे आपको हर एक सॉन्ग के नीचे 3 डॉट मिलेंगे, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर यहाँ पे एक लिस्ट ओपन होगी, इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोड लिखा आएगा, डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है और कुछ टाइम बाद ये सॉन्ग यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको ऑफलाइन में सुनने के लिए आपने करना क्या, यहाँ पे जो ऊपर 3 लाइन है लेफ्ट साइड, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोड्स लिखा फोल्डर मिलेगा आपको, डाउनलोड्स के अंदर जाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप वो ये सॉन्ग आ चुका है जो हमने अभी डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे वो सभी सॉन्ग्स आ जाएंगे जिसको आप डाउनलोड करोगे, बाद में इनको आप ऑफलाइन भी बिना इंटरनेट के भी सुन सकोगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऐप है उसका नाम है जियो सिक्योरिटी ऐप। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके फ़ोन की सिक्योरिटी को लेके डर लगा रहता है,
कई बार आप आपके फ़ोन के अंदर कोई थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करते हो, वो आपके फ़ोन को नुकसान पहुंचाती है, आपका डाटा वगैरह लीक करती रहती है। इन सभी से बचने के लिए फ्रेंड्स आप जियो सिक्योरिटी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट टाइम ये ऐप आपके डिवाइस को स्कैन करेगी, अगर आपका फ़ोन सिक्योर हुआ तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपका डिवाइस सिक्योर है। अगर आपके फ़ोन के अंदर किसी प्रकार का कोई वायरस हुआ, कोई ऐप इसको मिली जो आपके फ़ोन को नुकसान पहुँचा रही है, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर डिवाइस इस एट रिस्क। उसके बाद यहाँ पे नीचे सभी ऐप्स की आपको डिटेल मिल जाएगी जो आपके फ़ोन को नुकसान पहुँचा रही हैं, आप उनको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे सेटिंग्स इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मैंने अपने फ़ोन को रूट कर रखा है, इसलिए ये बता रहा है कि आपके फ़ोन की सेटिंग भी मेलवेयर के अंदर आ रही है। तो अगर ये ऐप आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल्ड है तो ये आपके फ़ोन को रूट भी नहीं होने देगी, अगर पहले से इंस्टॉल्ड है रूट होने से पहले। उसके बाद यहाँ पे नीचे प्राइवेसी के अंदर आप देख सकते हो कि कौन सी ऐप आपका डाटा तो नहीं कहीं पे ट्रांसफ़र कर रही। यहाँ पे योर फ्रीडम ऐप है, वीपीएन है, ये मेरा डाटा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको भी अनइंस्टॉल नीचे कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये ऐप ट्रस्टेड है, कि ऐसा वैसा कोई डाटा यहाँ पे नहीं है ट्रांसफ़र कर रही। यहाँ पे नीचे ट्रस्ट लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्लिक करके इसके अंदर आपको सभी तरह की जानकारी मिल जाएगी, लोकेशन वगैरह, यहाँ पे कौन सी ऐप कितनी बैटरी यूज़ कर रही है, हाई मीडियम, कौन सी ऐप यहाँ पे डाटा कितना यूज़ कर रही है, आपको सभी प्रकार की डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एंटी थेफ्ट का फीचर इसके अंदर आपको मिलता है, इसको अनेबल करके इसके अंदर आप अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद जब कभी आपका फ़ोन अगर कहीं पे गुम हो जाता है, आप उसको jio.com के ऊपर सेम अकाउंट से लॉगिन करके आपके फ़ोन की, आपके डिवाइस की लोकेशन देख सकते हो, उसको आप जो उसके अंदर जो डाटा स्टोर है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके फ़ोन को लॉक कर सकते हो, सभी प्रकार का आप इसको आपके डिवाइस को सिक्योर कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर डर लगा रहता है। यहाँ पे वेब प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। कई बार फ्रेंड्स आप सभी ने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स के ऊपर कुछ फाइल्स अपने आप आपके डिवाइस के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाती हैं, तो इन सभी तरह के वायरस से बचने के लिए आप यहाँ पे इस प्रोटेक्शन को भी ऑन कर सकते हो। तो आपका डिवाइस इस जियो सिक्योरिटी ऐप को यूज़ करके कम्प्लीट सिक्योर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही थे जियो ऐप्स के छोटे छोटे ट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।